वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शिवम पीसीबी। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आज। सूचना का अर्थ है एवं परिभाषा। साधारण अर्थ में सूचना से तात्पर्य विचारों का आदान प्रदान करने से लगाया जाता है, जब किन्हीं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के द्वारा एक दूसरे को ज्ञान प्रदान किया जाता है तो निश्चय ही इस ज्ञान को सूचना की संज्ञा दी जाती है। यह सूचना किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप विषय का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। वर्तमान समय में इसके विविध साधन हैं जैसे टेलीफोन, टीवी, मोबाइल और रेडियो आदि। इसके सूचना द्वारा छात्रों को विशेष रूप से अधिगम प्रदान किया जा सकता है। यही कारण है कि आज इन दूर संचार साधनों का उपयोग शिक्षण के क्षेत्र में भली भांति किया जाता है। सूचना शब्द को हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों में 10वीं कक्षा का परिणाम कैसा रहा, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें विद्यालयों के परीक्षा परिणाम संबंधी आंकड़े एकत्रित करने होंगे तथा उनका सार्थक विश्लेषण कर निष्कर्ष निकालना होगा। इस प्रकार सूचना की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी जा सकती हैं। हेरोडस लाइब्रेरियंस ग्लासरी एंड रेफरेंस बुक के अनुसार सूचना व्यापक रूप में संप्रेषण योग्य तथ्यों का समूह है। एन बल्किन के अनुसार सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। बिल्कुल सही। ई हॉफमैन के अनुसार वक्तव्यों अथवा तथ्यों अथवा संख्याओं की संपूर्णता को सूचना कहते हैं जो बौद्धिक तर्कपूर्ण विचारधारा अथवा किसी अन्य मानसिक कार्य पद्धति के अनुसार धारणात्मक ढंग से परस्पर संबंधित होती है। जे बेकर के अनुसार किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। रोली एवं टर्नर के अनुसार सूचना वह आंकड़े हैं जो व्यक्तियों के मध्य प्रेषित हो सकें और प्रत्येक व्यक्ति इसका उपयोग कर सके। डी बेल के अनुसार सूचना एक आकार अथवा अभिकल्प होती है जो किसी आवश्यक उद्देश्य हेतु तथ्यों को पुनर्व्यवस्थित करती है। उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से निम्न बातें स्पष्ट होती हैं। देखते हैं कौन सी भाषा है। सूचना वह डाटा है जिससे व्यक्तियों या उपयोगकर्ताओं के बीच प्रेषित किया जा सके एवं प्रत्येक व्यक्ति उसका आवश्यकता अनुसार समुचित उपयोग कर सके। यह एक संदेश, संकेत या उत्तेजना के रूप में हो सकती है। सूचना एवं संप्रेषण में अति घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। सूचना एवं संप्रेषण देख लीजिए। सूचना एवं संप्रेषण सामाजिक विनिमय की प्रक्रिया है जिसमें सूचना विनिमय की वस्तु होती है। सूचना एक ऐसा आंकड़ा है जिसे पुनः प्राप्त कर परिष्कृत रूप प्रदान किया जाता है। सूचना की विशेषताएं। सूचना मानवीय विचारों का प्रतिफल होती है। मानव प्रतिक्षण नवीन विचारों के संपर्क में आता है। जिज्ञास तथा ज्ञातव्य के बीच पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप सूचना की उत्पत्ति होती है। अर्थात सूचना मानव द्वारा अनुभवों, निरीक्षणों, परीक्षणों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार सूचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। सूचना अपरिमित, वर्धनशील एवं अंतर विषयी होती है। सूचना को अभिलिखित और अनुवादित किया जा सकता है। सूचना आंकड़ों का संगठित, व्यवस्थित तथा परिष्कृत रूप होती है। सूचना सारपूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण मानवीय मस्तिष्क उत्पाद है। सूचना उपयोग में नष्ट नहीं होती। सूचना मानव संसाधनों के मध्य पारस्परिक प्रभाव डालती है। सूचना वर्तमान, भूत, भविष्य में सत्यता स्थापित करने में सहायक होती है। सूचना की उपयोगिता में समय अनुसार परिवर्तन संभव है। सूचना एक समुचित संरचना में होती है एवं इसे विश्लेषित किया जा सकता है। सूचना स्मरण करने, हस्तांतरण करने एवं संप्रेषण करने योग्य होती है। सूचना प्राप्त के घटक, साधन, कंपोनेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीविंग। सूचना प्राप्त करने के घटक निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन कौन है। संचार साधन, ठीक है, संचार साधन है। पहला, संदर्भ ग्रंथों,
पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम व अन्य सार्वजनिक वाचनालय आदि ये संचार साधन हैं। प्रत्यक्ष जानकारी देने वाले साधन नदी, पर्वत, बाग, बगीचे, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक अनुभव इत्यादि। दृश्य श्रव्य साधन जैसे रेडियो, टेलीविजन, चार्ट इत्यादि। उपयुक्त साधनों के अलावा शिक्षकों, सहपाठियों, सहकर्मियों, परिजनों, अभिभावकों, पास पड़ोस तथा समाज आदि के द्वारा भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। हम कहीं बैठते हैं तो कोई ना कोई सूचना सुनने को मिल ही जाती है ना। संप्रेषण किसे कहते हैं, जरा इसे भी देख लेते हैं। जिस प्रकार प्राण वायु के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार संप्रेषण के बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जो कुछ सोचता है वह संप्रेषण है। मनुष्य भोजन करना तभी पसंद करता है जब उसे भूख की अनुभूति होती है। भूख की अनुभूति संचार है। भूख की अनुभूति संचार है, ठीक ना। संप्रेषण का सामान्य भाषा में अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना या संदेश को संप्रेषित करना या किसी सूचना या तकनीकी को दूसरे तक पहुंचाना। यह शब्द संस्कृत के चर धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अभिप्राय है चलना। अपने व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग चलने, दौड़ने जैसी क्रियाओं से होता है, किंतु आज संप्रेषण एक तकनीक शब्द बन गया है जो अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसके अर्थ को सामान्यीकरण, भागीदारी युक्त सूचना आदि के आधार पर समझा जा सकता है। दूसरे शब्दों में संचार एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विचारों एवं भावनाओं में सहभागी बनता है। रॉबर्ट एंडरसन के अनुसार वाणी लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विनिमय करना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के बारे में विस्तृत अध्ययन हम आगे अध्ययन करेंगे। देखते हैं क्या है सूचना और संप्रेषण, काफ़ी ज़्यादा है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषाएँ, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में ICT कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जब कभी किसी कारणवश कोई विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तब ऐसी स्थिति में वह अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। अप्रत्यक्ष ढंग से ज्ञान प्राप्त करने के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से पूछकर, किताबों से, पत्र पत्रिका के माध्यम से, चित्र, फोटोग्राफ, फिल्म देखकर, वीडियो, रेडियो, टेप, कंप्यूटर इत्यादि से। उपर्युक्त माध्यमों से सूचना के आधार पर विद्यार्थी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह सभी जितने भी सूचना के माध्यम हों, उन सभी से ठीक प्रकार से सूचना प्राप्त करना और सूचना का ठीक समय पर प्रयोग करना, अर्थात व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त करने, संग्रह करने और आवश्यकता होने पर इसके प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार की गतिविधियां ही सूचना तकनीकी कहलाती हैं, ICT कहलाती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। परंतु सूचना प्राप्ति और उसका उपयोग तभी संभव है जब इसमें संप्रेषण कला का समावेश हो। सबसे बड़ी बात, अतः संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस। संप्रेषण की सहायता से ही हम अपने विचारों को, सूचना को, मान्यताओं को और जानकारी को दूसरों के साथ बांटते हैं। संप्रेषण में सूचना के स्रोत एवं सूचना प्राप्त करने वाले के मध्य आदान प्रदान होता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण दोनों को ही ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्त के ढंग को जानने एवं समझने की आवश्यकता होती है। सूचना एवं संप्रेषण संबंधी कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी अथवा विज्ञान की सहायता ली जाती है। इसे ही सूचना संप्रेषण तकनीकी ICT कहलाते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। देखते हैं कौन कौन ने। प्रोफेसर SK दुबे के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। RK शर्मा के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय उस समस्त संचार साधनों के व्यवहारिक प्रयोग की ओर संकेत करता है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सूचना के अभाव में संप्रेषण का कोई महत्व नहीं रह जाता, और संप्रेषण के बिना सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र गति से नहीं पहुँचाया जा सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आपस में घनिष्ठ संबंध है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को इस प्रकार समझाया जा सकता है, औजारों, उपकरणों तथा अनुप्रयोग आधार से युक्त एक ऐसी तकनीक है जो सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, प्रयोग, स्थानांतरण, संश्लेषण एवं विश्लेषण, आत्मसातीकरण आदि के विश्वसनीय एवं यथार्थ संपादन में सहायक सिद्ध होते हुए उपयोगकर्ता को अपना ज्ञान वर्धन करने तथा उसके संप्रेषण और उसके द्वारा अपनी निर्णय और समस्या समाधान योग्यता में वृद्धि करने में यथेष्ट सहायता सिद्ध होती है। काफ़ी लंबी चौड़ी इंग्लिश है इसकी, आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उद्गम एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्राचीन समय में जब सूचनाओं को भेजने की तकनीकी साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, उस समय सूचनाएं मौखिक रूप से एकत्रित की जाती थी। मस्तिष्क में स्मृति के रूप में इन्हें इकट्ठा किया जाता था और मौखिक रूप से सूचना का स्थानांतरण व उपयोग किया जाता था। इसके पश्चात लिखने की कला का आविष्कार हुआ। इस लिखने की कला से सूचना संप्रेषण का कार्य कुछ हद तक आसान हो गया। इसके पश्चात सन 1429 में जर्मनी में गुटेनबर्ग द्वारा छापने की मशीन यानी प्रिंट की मशीन का आविष्कार हुआ। माना जा सकता है प्रिंटिंग साधनों ने सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में विशेष योगदान दिया है। सूचना एवं संप्रेषण की दिशा में निम्नलिखित प्रयास किए गए जो कि सूचनाओं को एक दूसरे तक शीघ्रता से पहुँचाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। 1849 में फ्रांस के निवासी LGM डेगुरे तथा इंग्लैंड निवासी WHF तालबोर्ड द्वारा फोटोग्राफी का आविष्कार, ठीक है। सन 1900 में फ्रांस के प्रोफेसर AB रेने ग्राफीन द्वारा फोटोस्टेट तकनीक का विकास आविष्कार। 1940 में इंग्लैंड निवासी JB डेंसर तथा फ्रांस निवासी रेने डेग्रेन द्वारा माइक्रोग्राफी का आविष्कार। माइक्रोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है। माइक्रोग्राफी द्वारा 1960 में अमेरिका निवासी थियोडोर मेमन ने प्रिंट के लिए लेजर तकनीक का आविष्कार किया। लेजर वाला आप कंप्यूटर में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है। 20वीं सदी में चुंबकीय वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एवं कंप्यूटरों का विकास। इन आविष्कारों के माध्यम से मनुष्य को अपनी सूचना शीघ्रता पूर्वक पहुँचाने में काफ़ी सहायता सिद्ध हुई। परंतु सैटेलाइट कम्युनिकेशन ने सूचना पहुंचाने के स्तर को और अधिक बढ़ा दिया। इसी प्रकार सूचना एवं संप्रेषण में अन्य निम्नलिखित आविष्कार हुए। 1837 में अमेरिका निवासी SPB मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। और 1895 में इटली निवासी जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, है ना। पच्चीस में स्कॉटलैंड निवासी JL बेयर्ड द्वारा टेलीविजन का आविष्कार हुआ। ये सब GK की तरह है, आप याद रखना, ठीक है ना। JL बेयर्ड द्वारा टेलीविजन का आविष्कार हुआ। संचार उपग्रहों का विकास, 20वीं शताब्दी में ही केबल व फैक्स तकनीकी का आविष्कार हुआ। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का निरंतर विकास होता रहा। सन 1950 में USA में सूचना विज्ञान का प्रचलन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य सूचनाओं के संचार को अधिक प्रभावशाली बनाकर सूचना की प्राप्ति के लिए नई विधियों व नई विकसित तकनीकी के लिए प्रोग्राम को बनाना था। अब धीरे धीरे सूचना संप्रेषण विज्ञान के दायरे में वृद्धि होती गई और सन 1960 में औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। इसी समय कंप्यूटर एवं संचार उपग्रह सेवाओं का विकास होने पर सूचना एवं संप्रेषण का दायरा बढ़कर सभी क्षेत्रों में बैंकिंग, मैनेजमेंट, शिक्षण, शोध, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस एवं सेना, कानूनी सेवाएं इत्यादि प्रसारित हो चुका था। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा हो जो किसी न किसी रूप में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रभाव से न जुड़ा हो।
आज हम इसका प्रयोग औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा अधिगम में, कक्षा शिक्षण, दूरवर्ती शिक्षण में सभी प्रकार से कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी न किसी रूप में हम टेक्नोलॉजी का यूज कर ही रहे हैं हमेशा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए इसे पढ़ते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भाई पढ़ने में थोड़ा अजीब रहेगा लेकिन एग्जाम में आप निम्नलिखित हैं लिखते ही जरूर हैं। संप्रेषण तकनीकी संप्रेषणकर्ता तथा संप्रेषण प्राप्तकर्ता के मध्य संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है। इस तकनीकी में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर अधिक केंद्रण रहता है। यह एक उद्देश्यपूर्ण एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सूचना संप्रेषण तकनीकी की प्रभावशीलता संप्रेषण स्रोत की सशक्तता पर निर्भर करती है। सूचना संप्रेषण तकनीकी से व्यक्ति विचारों एवं तथ्यों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पूरा करने में अपेक्षा होती है। संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। इस तकनीकी के द्वारा हम संपूर्ण विश्व के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना एक स्थान पर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीकी के प्रयोग से संपूर्ण संसार एक गांव के रूप में दिखाई देता है। इस तकनीकी से छात्र शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना इंटरनेट से प्राप्त कर सकता है तथा ईमेल के माध्यम से सूचनाओं का तत्काल आदान प्रदान कर सकता है। इसमें परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में विचारों या सूचनाओं को मौखिक, लिखित अथवा सांकेतिक रूप में प्रेषित किया जाता है तथा ग्रहण किया जाता है। यह एक गयात्मक प्रक्रिया है, ठीक है ना। पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अब परंपरागत एवं आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्राचीन काल में सूचनाओं के संप्रेषण का कार्य मौखिक विधि द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे लेखन कला का विकास हुआ तथा संप्रेषण लिखित माध्यमों के द्वारा किया जाने लगा। पहाड़ी कबीलों तथा दूर दराज में रहने वाली जातियां आज भी ढोल की विभिन्न प्रकार की थापों एवं आवाज़ों के द्वारा खतरे की सूचना एवं अपने कबीलों तक प्रेषित करती हैं। प्राचीन काल में मित्र तथा शत्रु के आगमन की सूचना भी आवाज़ों तथा तीरों के माध्यम से भेजी जाती थी। सामान्य रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना भेजने के लिए पत्रों, बेतार के तार आदि का प्रयोग किया जाता रहा है। सामान्य जनता को किसी भी विषय के बारे में जागरूक करने या जानकारी देने के लिए नाटक, कठपुतली, कार्यक्रम आदि का प्रयोग किया जाता था। जैसे जैसे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उन्नत हो रही है, उसी के अनुसार संप्रेषण की तकनीकी में भी उत्तरोत्तर सुधार होता जा रहा है। वर्तमान में हम संप्रेषण के क्षेत्र में जल मार्ग, वायु मार्ग, थल मार्ग तक ही सीमित नहीं हैं। वर्ण पाताल, अंतरिक्ष, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव तथा अन्य ग्रहों पर संदेश भेजने व प्राप्त करने में भी सक्षम हैं। ऐसे अंतरिक्ष एवं उपग्रह आधारित अनुसंधानों के कारण संभव अनुसंधान यानी रिसर्च के द्वारा, ठीक है ना। इसके परिणामस्वरूप हमारी संप्रेषण तकनीक अब अंत व्यक्तित्व संबंधों में नहीं अपितु जन संचार माध्यमों जैसे दूरदर्शन, रेडियो, टेलीफोन तथा कंप्यूटर के रूप में विकसित हो रहा है। परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, ट्रेडिशनल ICT। परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकियों में निम्न प्रकार की सामग्री, उपकरण एवं साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रित साधन आते हैं जैसे पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ, विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध पाठन सामग्री, औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में प्राप्त मौखिक सूचनाएं एवं ज्ञान भी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में आता है। चित्रात्मक शिक्षण सहायक साधन भी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आते हैं जैसे चार्ट, मानचित्र, चित्र आरेख आदि। त्रिआयामी शिक्षण सहायक साधन परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में आते हैं जैसे मॉडल, कठपुतलियाँ आदि त्रिआयामी हैं। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री भी परंपरागत सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी है जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र आदि। आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, मॉडर्न ICT।
आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मीडिया तथा संप्रेषण प्रणालियों का मिश्रण है, जैसे डिजिटल वीडियो कैमरा, मल्टीमीडिया पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो कार्ड एवं वेब कैमरे के साथ लैपटॉप, सीडी रोम एवं डीवीडी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एलसीडी प्रोजेक्टर अथवा डीएलपी, कंप्यूटर डेटाबेस, पावर पॉइंट सिमुलेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, ईमेल, इंटरनेट एवं WWW वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरमीडिया एवं हाइपर टेक्स्ट स्रोत, वीडियो टेक्स्ट, टेली टेक्स्ट, इंटरएक्टिव वीडियो टेक्स्ट, इंटरएक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शन, दृश्य व श्रव्य कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अंतःक्रियात्मक रिमोट अनुदेशन, है ना, आभासी कक्षा वर्चुअल क्लासरूम, है ना, ई लर्निंग एम लर्निंग एम वर्चुअल रियलिटी, आभासी कक्षा। चलिए देखते हैं और क्या है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता है महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सूचना संप्रेषण तकनीकी छात्र, शिक्षक एवं अन्य जन समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी आवश्यकता है महत्वपूर्ण हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षक तथा छात्रों को तथ्यों एवं सूचनाओं चलिए देखते हैं। इसके द्वारा शिक्षक तथा छात्रों को तथ्यों एवं सूचनाओं की प्राप्ति होती है। संप्रेषण तकनीकी छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाती है। इसके प्रयोग से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इस तकनीकी के द्वारा शिक्षक कक्षा तथा पुस्तकालय में रहते हुए ही छात्र को संपूर्ण विश्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। संप्रेषण के माध्यम से ही शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाना संभव है। संप्रेषण कक्षा शिक्षण की अंतः प्रक्रिया का साधन है। संप्रेषण विकास की क्रिया का महत्वपूर्ण साधन है। संप्रेषण विचारों, भावनाओं, मतों आदि के आदान प्रदान का साधन है। संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से व्यक्ति अपनी सूचना या संदेश को एक साथ असंख्य लोगों तक पहुंचा सकता है। इस तकनीकी के द्वारा प्रौढ़, सतत एवं दूरस्थ शिक्षा में आवश्यकता अनुसार सुधार लाया जा सकता है। इस तकनीकी की सहायता से एक ही समय में अधिक छात्रों या व्यक्तियों के पास सूचना प्रेषित की जा सकती है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे संपूर्ण संसार के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आईसीटी ज्ञान के हस्तांतरण प्रदान करने तथा प्रदान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण होती है। आईसीटी अद्यतन ज्ञान के वृद्धि में सहायता करती है। आईसीटी त्वरित गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है तथा यह संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को संतुलित करती है। आईसीटी संपूर्ण विश्व की जानकारी एक पटल पर प्रदान करने में सक्षम है। यह छात्र के अध्ययन को प्रभावी बनाता है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र, स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। वर्तमान आधुनिक शिक्षा का वर्तमान आधुनिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से प्रभावित है। शिक्षा का क्षेत्र भी पूर्णतः इसके प्रभाव में है। आज कंप्यूटर, इंटरनेट का बढ़ता हुआ उपयोग शिक्षा को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के पास लाता है। शिक्षा का प्रत्येक अंग, विधियाँ, प्राविधियाँ, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण प्रक्रिया, शोध इत्यादि सभी सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बिना अधूरा है। अतः सूचना एवं संप्रेषण का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री का निर्धारण और इसके कार्य क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना भी शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण, ठीक ना, डॉक्टर एम एस कुलकर्णी के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के कार्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। देखते हैं, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण करना। इस प्रक्रिया में अदा यानी इनपुट से लेकर पर्दा आउटपुट तक सभी कार्य करने वाले तत्वों का विश्लेषण किया जा सकता है। इन तत्वों से संभव कार्यों की जाँच की जा सकती है। इन तत्वों की ढंग से किस इस ढंग से व्यवस्था करना जिससे प्रभावशाली परिणाम प्राप्त हो। शैक्षिक लक्ष्यों या उद्देश्यों का निर्धारण। सूचना
सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इन उद्देश्यों को व्यावहारिक शब्दावली में लिखा जा सकता है। इन उद्देश्यों को निर्धारित कर विद्यार्थियों के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चयन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली नवीन व्यूह रचनाओं और युक्तियों का चुनाव एवं विकास बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षण प्रतिमानों का ज्ञान, विभिन्न विधियों एवं प्रविधियों का ज्ञान और उनके चुनाव करने में सहायता कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का चुनाव, उत्पादन और उपयोग। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का चयन, उत्पादन और उपयोग किया जा सकता है। इस दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस विद्यार्थी मोबाइल व कंप्यूटर में दृश्य श्रव्य सामग्री को सुरक्षित रखते हैं, फिर आवश्यकता के अनुसार उसे समय पर सुन सकते हैं। पृष्ठपोषण में सहायक, ठीक है, फीडबैक। पृष्ठपोषण का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन होता है। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तभी सफल मानी जाती है जब उसका सही समय पर मूल्यांकन हो। पृष्ठपोषण द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों को उनकी अधिगम और शिक्षण विधियों की सफलता के बारे में जांच की जाती है और कुछ कमियां होने पर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा मूल्यांकन या पृष्ठपोषण विधियों का चयन, विकास तथा उनकी उपयोगिता संभव हो सकती है। शिक्षण प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए शिक्षण अभ्यास प्रतिमानों की रचना, सूक्ष्म शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण सिमुलेशन टीचिंग एवं प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच आदि का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एंड माइक्रो टीचिंग सिमुलेशन टीचिंग या सिमुलेशन आपने गेम में देखा ना, सिमुलेटर है ना, बहुत सारे गेम में देखे होंगे आप, सिमुलेटर का जिक्र हुआ होगा। प्रणाली उपागम का उपयोग देखते हैं क्या है, यूटिलाइजेशन अब सिस्टम अप्रोच। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उप प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए प्रणाली उपागम के प्रयोग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में ये उप प्रणालियाँ कक्षा के बाहर लेकिन विद्यालय के वातावरण में ही प्रयुक्त होती हैं। इन प्रणालियों के तत्वों तथा उनकी कार्य पद्धति के अध्ययन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की भूमिका होती है। मशीनों और जनसंपर्क माध्यमों का उपयोग। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का कार्य क्षेत्र मशीनों एवं अन्य जनसंपर्क माध्यमों तक फैला है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी इन मशीनों यानी हार्डवेयर इन उपकरणों के उपयोग के लिए कार्य करती है। इन मशीनों में रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, सैटेलाइट कंप्यूटर आदि सम्मिलित हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी इन सभी के लिए आधार तैयार करती है। सामान्य व्यवस्था, परीक्षण और अनुदेशन में उपयोग करना। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग हम सामान्य व्यवस्था, परीक्षण और अनुदेशन के कार्य क्षेत्र में भी करते हैं। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं में आधुनिक संदर्भ के साथ अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। आज यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के लाभ एवं उपयोगिता। क्योंकि किताबें जल्दी कोई पढ़ता नहीं है तो आप सुन ही लीजिए, है ना, आपको फ़ायदा भी होगा। रख दीजिए, वीडियो चलता रहेगा, आप सुनते रहिए, मन कहे तो आप देखते रहिए, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। शिक्षा के क्षेत्र में ICT का उपयोग ने तीव्रता से सीखने एवं सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार किया है। यह सीखने और पारस्परिक रूप से चुनौती देकर नए अवसरों का विस्तार किया है। अतः ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां ICT का उपयोग न किया जाता हो। अतः सूचना एवं संप्रेषण के निम्नलिखित लाभ हैं, देखते हैं लाभ क्या है। सीखने के संसाधनों की विविधता का उपयोग। यह शिक्षण कौशल और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए संसाधनों की बहुत मदद करता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से अब
श्रव्य दृश्य माध्यम से शिक्षा प्रदान करना आसान हो गया है और विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर छात्रों को सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अनुदेशन प्रदान किया जा सकता है। जानकारी के लिए तात्कालिकता, इंस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने नवीनतम विधियों के द्वारा ज्ञान प्रदान करने की गति को बहुत तेज किया है। अब कंप्यूटर एवं नेटवर्क के माध्यम से कहीं पर भी किसी भी समय शिक्षण किया जा सकता है। तात्कालिक जानकारी के आधार पर आधुनिक युग में शिक्षण प्रदान करके नवयुवकों को परंपरागत शिक्षकों तकनीकों की सहायता से आने वाले परिवर्तन के लिए तैयार नहीं किया जा सकता, जबकि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का समुचित प्रयोग इस दिशा में सहायक सिद्ध हो रहा है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से विद्यार्थी नवीन सूचनाओं को इकट्ठा कर उनका प्रयोग करके अपना व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता, अपनी गति एवं रुचि के अनुसार स्व अनुदेशन प्राप्त कर सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, अपितु विद्यार्थी में समस्या समाधान योग्यता, निर्णय क्षमता का भी विकास होता है और विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन भी लाया जा सकता है। शिक्षकों के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, ज्ञान और आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन्हें उचित प्रकार से प्राप्त करने में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी शिक्षण शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ज्ञान और सूचना के स्रोतों की जानकारी देकर अपने कार्यभार को कम कर लेते हैं। किसी भी प्रकरण का अभ्यास कराने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। आजकल विद्यालयों में भी विद्यार्थियों को स्वयं दत्त कार्य असाइनमेंट करने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है और विद्यार्थी को पूरी सूचना एकत्रित करनी होती है। अभिक्रमित पाठ्य पुस्तक, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में से शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से विद्यार्थी अपने सीमित ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। सूचनाओं को इकट्ठा करके सही समय पर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा केवल सूचना ही प्राप्त नहीं होती, अपितु विद्यार्थियों में समस्या समाधान व निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने के सिद्धांत का ज्ञान कराती है और साथ साथ ही यह पता चलता है कि विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान को किस प्रकार अस्थायी करे। इससे विद्यार्थियों के रचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग का ज्ञान। शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग की प्रक्रिया शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति को सूचित करती है। वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करता है और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण की उचित विधियों एवं प्रयोग की जाने वाली सावधानियों को ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे कि शिक्षक का शिक्षण कुशल, प्रभावशाली व उपयोगी बन सके। शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के विकास के लिए एवं शिक्षण को कुशलपूर्ण एवं प्रभावपूर्ण बनाने में सूचना संप्रेषण बहुत सहायक है। इसके लिए शिक्षण अभ्यास प्रतिमानों की रचना, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो अनुकरणीय शिक्षण एवं प्रणाली उपागम का उपयोग किया जाता है। शिक्षण कौशलों और टीचिंग स्किल्स के विकास में भी इसका उपयोग किया जाता है। शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के द्वारा अनुसंधानकर्ता को विभिन्न प्रकार की आवश्यक व उपयोगी सूचना एवं आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिससे शोध कार्य आसानी से हो सकता है। शोधार्थी को अपने प्रकरण यानी टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के शोध यानी रिसर्च कंप्यूटर व नेटवर्क के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं, जिससे उसे अपने कार्य को व्यवस्थित व क्रमबद्ध करने में सरलता हो जाती है। शोधार्थी को एक प्रकार का मार्गदर्शन मिल जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी शोधार्थी का टॉपिक बीएड छात्रों की घटती उपस्थिति, इसके लिए वह गूगल पर उतर कर
या जाकर सर्च कर सकता है, तब उसे इसी टॉपिक पर शैक्षिक अनुसंधान सामग्री उपलब्ध हो जाएगी जो कि उसके शोध कार्य में उसका मार्गदर्शन करेगी। परामर्श व मार्गदर्शन करने वालों के लिए उपयोगी। परामर्श हेल्पफुल फॉर काउंसलिंग एंड काउंसलर्स, है ना। परामर्श और मार्गदर्शन देने के कार्य में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी सहायता प्रदान करती है। रिकॉर्ड की हुई सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों की रुचि व उनके मानसिक स्तर के बारे में जानकर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। निर्देशन व परामर्श चाहे विद्यालय में हो या विभिन्न संस्थाओं में, विभिन्न प्रकार की रोजगार संबंधी सूचना प्रदान करने में, सभी में सूचना एवं संप्रेषण का विकास योगदान है। विद्यार्थियों को निर्देशन व परामर्श देते समय उससे संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, उसी के आधार पर विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है। विद्यार्थियों की सूचनाओं को तकनीकी द्वारा आसानी से इकट्ठा करके रखा जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन में सहायक, देखते हैं क्या है। प्रशासन उचित प्रकार से चलाना है तो विद्यालय संबंधी सभी गतिविधियों को और भौतिक संसाधनों की कार्यकलापों की जानकारी तथा उनसे संबंधित आंकड़े उचित प्रकार से उपलब्ध होने चाहिए। इस प्रकार की सारी सूचनाएं हम एक स्थान पर कंप्यूटर में संग्रह करके रख सकते हैं। इसी प्रकार विद्यालयों से संबंधित सभी कार्यों जैसे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, परीक्षा निर्माण अर्थात परीक्षाएं करवानी हो, इन सभी के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी की सहायता ली जाती है। इसी के साथ शैक्षिक प्रशासकों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, मूल्यांकन विधि, रिपोर्ट, विद्यालय को दिए जाने वाले संसाधनों आदि के संबंध में निर्णय लेने में सहायक होते हैं। शिक्षण तकनीकी में विकास, शिक्षक द्वारा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। शिक्षक द्वारा विभिन्न संचार माध्यमों से शिक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर, सहायक अनुदेशन CAI, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP तथा इंटरनेट आदि। इनके ज्ञान से शिक्षक ट्रांसपेरेंसी बनाकर अथवा PPT पावर पॉइंट प्रोजेक्शन से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने शिक्षक और शिक्षा विद्यार्थी दोनों को ही अधिक सक्रिय वातावरण प्रदान किया गया है। वर्तमान समय में शिक्षक केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करता है, अपितु तो एक पथ प्रदर्शक व मार्गदर्शक की भूमिका भी अदा करता है और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। सूचना संप्रेषण के माध्यम से आज शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिससे विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ने एक नया आयाम प्रदान किया है। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में इसका अपूर्व योगदान है। आज सूचना संप्रेषण तकनीकी द्वारा ही संपूर्ण कार्यशैली एवं संगठन में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसी संदर्भ में श्रीमती RK शर्मा ने लिखा है कि विद्यालय व्यवस्थाओं में शैक्षिक संगठन का छात्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण संबंध होता है जो कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से सरलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है, जिसके माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। छात्र के सर्वांगीण विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, जिसका श्रेय संप्रेषण के साधनों को जाता है। यदि संप्रेषण का अभाव है तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सकेंगे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सीमाएं, कुछ तो सीमाएं होती है ना, लिमिटेशंस। सीमाएं इसके निम्न है। संप्रेषण तकनीकी सूचनाओं के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो निम्नलिखित हैं इसकी बाधाएं, सीमाएं। संप्रेषण प्रक्रिया को बाधित हो जाने से प्रेषित संदेश गलत रूप में या पूर्व अपूर्ण ही ग्रहण किया जाता है, जिससे उसका अर्थ वास्तविक से अलग हो जाता है। इस तकनीकी के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो बहुत खर्चीला है। विद्युत का सुचारू आपूर्ति ना होने के कारण इसमें बाधा उत्पन्न होती है। तकनीकी उपकरणों के खराब हो जाने पर इसकी मरम्मत के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, जिस पर बहुत अधिक व्यय होता है।
कंप्यूटर सिस्टम में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं रहती हैं, अतः इन सूचनाओं के दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है। कंप्यूटर सिस्टम में वायरस प्रोग्राम के सक्रिय हो जाने पर वायरस उसमें भंडारित डाटा को नष्ट कर देता है, जिससे आवश्यक सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके प्रयोग द्वारा छात्रों में मानवीय मूल्यों जैसे प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, सामाजिकता आदि का विकास नहीं हो पाता। इनके विकास के लिए अध्यापक छात्र पारस्परिक संबंध आवश्यक है। चलिए ठीक है, हमारा एक टॉपिक तो क्लियर हो गया, प्रकरण है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, 2.2, अधिगम परिणामों के अनुकूलन हेतु सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग। चलें पढ़ें। यहाँ सूचना संप्रेषण तकनीकी के कुछ प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है, जिसके अनुप्रयोग से अधिगम परिणामों को प्राप्त किया जा सकता है। अधिगम हेतु निम्नलिखित सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर सहानुदेशन, पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया, अनुरूपण, मृदुपागम एवं वेबिनार्स। कंप्यूटर के बारे में पहले देखते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या युक्ति है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसकी उपयोगिता इसी से स्पष्ट है कि आज का युग कंप्यूटर का युग कहा जाता है। इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह देना ही काफ़ी नहीं है, अभी तो इसे इंटे इंटे एक मिनट एक मिनट एक मिनट चलिए ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।